हनुमानगढ़ जहां परंपरागत खेती में गेहूं, कपास और धान में प्रदेश में अव्वल है, वहीं यहां के किसान बागवानी फसलों में भी रुचि लेने लगे हैं, जिसके चलते यहां सैकड़ों हेक्टेयर में शुष्क मरुस्थलीय पौधा खजूर लगाकर लाखों में आमदनी ले रहे हैं। सहायक कृषि निदेशक उद्यान प्रमोद कुमार ने बताया कि जिले में परंपरागत खेती के साथ बागवानी में किसानों का रुझान बढ़ा है। मैं पिछले कई सालों से खेती कर रहा हूं और जिस ज़मीन में हमारे ये खजूर का बाग लगा है, इसमें मैं परंपरागत खेती करता था इससे पहले, जिसमें गेहूं, नरमा, गवार वगैरह, सरसों की फसल हो गई, ऐसी फसलें बोते थे जी। अभी मेरे ये 25 बीघा में खजूर का बाग लगा हुआ है जी, तो ये बरही किस्म है जी, बरही किस्म जो कच्चा खाने में काम आती है, फ्रेश फ्रूट में जो काम आती है जी। ये हमने बाग लगाया, उसके बाद हम इसकी देख रेख करते गए तो इस बार हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जी। तो हमारा जो फ्रूट है ये बांग्लादेश और कोची केरल साइड बहुत अच्छे से बिका, एक्सपोर्ट हुआ हमारा फ्रूट जी, तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ हमें। आजकल किसानों में खजूर का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि खजूर एक सूखा प्रतिरोधी फसल है एवं कीट एवं बीमारी का प्रकोप भी जिसमें कम होता है, आमदनी में अच्छी मिलती है। जो किसान भाई नया बाग लगाना चाहते हैं वो खेत की अच्छी तैयारी करें तथा अच्छी क्वालिटी के पौधे खरीद कर अपने खेत में लगाएं, जिससे कि भविष्य में भरपूर आमदनी मिल सके।